अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं स्टोरीज़ वगैरह डाल रही थी अपने वगैरह की, तो आप लोग पूछ रहे थे। तो खैर, आज जो है, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप्स में जो है नज़र आएगा, क्योंकि जो है घर में काम चल रहे हैं और एक दिन जो होता है वो एक काम होता है, इसलिए तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो वैसे ये है कि अभी नाश्ता वगैरह चल रहा है, हमारा नाश्ता हो रहा है और अम्मी हमारे लिए पराठे वगैरह बना रही हैं। तो बस मैंने सोचा कि आप लोग जो है अपना रूम वगैरह दिखाऊं और जो है कितनी तैयारियां हूँ, क्योंकि आप लोग, मैंने जो शीट्स वगैरह लग रही थी तब मैंने दिखाया था, अब उसके बाद क्या सूरत हाल है वो मैंने दिखाया नहीं था। तो चलें हम अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और ये क्लिप्स जो हैं थोड़े 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 करके मैंने जमा किए, आप इसको देखें। इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग दिखाती हूँ, उसके बाद जो है अपना डन हो जाएगा। थोड़े से काम रहते हैं मेरे रूम में अभी और जो है, अम्मी ने ना मेरे रूम में सोफ़ा रख दिया था पुराना वाला, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक वो स्विंग चेयर होती ना वो लेना चाह रही थी मैं। तो देखो कब जाते हैं मार्केट और कब मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसका ये है। और बस इसके अलावा तो और कोई काम नहीं रहता। पॉलिश वगैरह रहती है रूम में अभी फ़िलहाल, और मेरे बेड पर पॉलिश होगी और दरवाज़ों पर। चलें चलते हैं, फिर अभी नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। कौन कौन खाता है चकोर पराठे? हम तो चकोर पराठे खाते हैं, गोल रोटी खाते हैं, चकोर पराठे खाते हैं, ये होता है। अम्मी गोल पराठा पहले बनाती थी ना? गोल कौन? हाँ पहले आप गोल पराठा बनाती थी ना? हाँ। फिर चकोर पराठा कब से बनाना शुरू कर दिया? तो गोल भी बनाती हूँ, गोल भी। नहीं तो गोल अच्छा होता है, चकोर अच्छा होता है, दोनों अच्छे होते हैं, है ना? वैसे चकोर पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। तुम क्या कहते हो? यहाँ पे पराठा फूल रहा था कि अच्छा खासी? ओ फूल गया, वाओ। असली घी का पराठा है ये, इतना खूबसूरत लग रहा है देखने से। ज्यादा घी डालने से फूला है, जैसे ने इतना भर के घी डाल दिया तो बाद में ना मुझे ऐसी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा है कि अब मैं कुछ बोली। यहाँ पे चाय बन रही है, चाय में पत्ती नहीं डाली, अभी पत्ती डालेंगे हम। पत्ती डालो, पत्ती डालो। अम्मी तुम तो अंडे की जल्दी अलग कर दो अम्मी। ओके जी व्यूवर्स, तो मतलब यहाँ पर जो है नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है और साथ साथ में अंडे के मतलब हरी मिर्ची भी कुछ फ्राई कर दी थी। वैसे तो अम्मी जो बनाती हैं वो प्रॉपर एक मसाले वगैरह सब कुछ डाल के बनाती हैं और बहुत मज़े की बनती है। अम्मी और तहसीन बहुत मज़े की बनाती हैं सुबह सुबह हरी मिर्चें, लेकिन यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी का काम किया और यहाँ पर नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल और पानी में डाल के मैंने मिर्च को फ्राई कर दिया था। और यहाँ पे नाश्ते में हम लोग इसको ज़रूर खाते हैं क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती हैं। जब मैं तहसीन के साथ नाश्ता करती हूँ तो ये कंपलसरी होती है, मतलब हरी मिर्चें। तो व्यूवर्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कमरे को किस तरह से मैं डेकोरेट करूं, क्योंकि कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सादा सा लग रहा था और पर्दे भी नहीं लगे हुए थे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था खाली खाली सा और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इस रूम के अंदर पर्दे लगने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अधूरा सा कमरा लग रहा था। तो मैं अम्मी से बोल ही रही थी कि अम्मी मतलब जो है लेबर वगैरह आए, वर्कर्स आते हैं तो पर्दे वगैरह लगाने के लिए, तो फिर अम्मी बोल रही थी कि आ जाएंगे कल आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है दिन ब दिन पेंडिंग में रह रहा था काम। फिर मैंने सोचा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर यह है कि ये वाले पर्दे और नेट वगैरह जो थी इसकी मैंने खुद ही धो ली थी, मतलब घर में ही धो लिए थे पर्दे वगैरह। वॉशिंग मशीन जो मैंने लगाई थी तो हाथों से ही सारा मैंने इनको साफ़ वगैरह कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने आयरन वगैरह करके इनको अच्छे से रख दिया था कि जब मुझे अपने रूम का, मेरे रूम का जब कलर वगैरह हो जाएगा तो फिर मैं इसको आराम से लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो है बस फिर मैंने अपना काम खुद ही शुरू कर लिया था, क्योंकि काम जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था वर्कर्स की वजह से, तो इसलिए फिर मैंने अकेले ही खुद सारा कर लिया। वैसे भी कुछ ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, बस पर्दे मुझे जो है लगाने आते ही और इतना कोई इजी काम था तो ये बस हो गया। तो इस तरह से फिर मैंने पर्दे लगाए, फिर इसके ऊपर नेट लगाई और फिर इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया। तो ये हमारा जो थे साफ़ सुथरे पर्दे बिल्कुल सेट होके लग गए और काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गया था।
अच्छा, इसके बाद जो आ गए यहाँ पर, जो ड्रेसिंग आपको दिख रही है ये अम्मी पापा की रूम में आप लोगों ने देखी होगी कि अम्मी पापा का जो पुराना फर्नीचर था ये उसकी ड्रेसिंग थी जो कि अब मेरे रूम में आ गई है, क्योंकि मेरे रूम के ये फ्लोर से बहुत ज़्यादा मैच हो रही थी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी रूम के लिए एक नई ड्रेसिंग ले लूँ, लेकिन फिर ना मैं गई भी लेने के लिए, लेकिन फिर ना समझ नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अजीब ही कोई चीज़ मिल रही थी। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी कि मुझे ये वाली ड्रेसिंग नहीं रखनी और मैं चाह रही थी कि मैं न्यू ले लूँ, कुछ अच्छा सा ले लूँ। लेकिन जब मैं मार्केट गई तो वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब ही ड्रेसिंग मिल रही थी, मतलब बिल्कुल भी जो जैसे मैं चाह रही थी ना वैसा तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर मुझे तहसीन और अम्मी ने भी यही बोला कि तुम्हारे फ्लोर से ना, मतलब तुम्हारे रूम से बहुत ज़्यादा मैच हो रही है, यही वाली रख लो। तो यहाँ पर जो है मैं ये लाइट्स वगैरह जो लगा रही हूँ मैंने दराज डॉट पीके से मंगवाई थी, ये काफ़ी मतलब अच्छी हैं। लेकिन ये था कि जो ऑनलाइन में मैंने देखा था ना तो उसके वायर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैंने लगाया ना तो उसके वायर वगैरह भी नज़र आ रहे थे, फिर मैंने इसको टेप से वगैरह जो है ना कवर कर लिया था। तो ये वाला क्लिप जो है ये नेक्स्ट डे का है और इस दिन जो है मैंने ये रिसीव किया था, मतलब ये हुआ था कि मैंने इसका ऑर्डर दिया हुआ था। तकरीबन मुझे 2 हफ्ते लग गए थे इसका जो ऑर्डर है ये बनकर आया था, अंबरनाज ऑफिशियल का मैंने अपनी रूम के लिए बनवाया है और वैसे भी ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मैंने मंगवाई अपने रूम के डेकोरेशन के लिए, तो इस तरह से जो है वो हुआ। तो ये आज जो है मतलब उस दिन मुझे रिसीव हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि ये बहुत नाजुक है और ये बच्चे बच्चे ना तोड़ दें तो इसको जल्दी से लगा देना चाहिए। तो फिर जो है पापा आए और फिर पापा ने इसको ड्रिल मशीन से मतलब अच्छे से इसको सेट किया, इसको रूम में मतलब मैं अपने बेड के ऊपर लगवाना चाह रही थी। पहले तो पापा कह रहे थे कि ड्रेसिंग के ऊपर लगा लो, जो वायर है बहुत करीब पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं ये बेड के ऊपर ही जो है मुझे बेड के ऊपर ही लगाना है, और मैंने इसको इस रूम के हिसाब से जो है बनवाया था तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इसको सेट करवा लिया। तो बस ये है और सारी जो बाकायदा जो चीज़ें मेरे रूम के अंदर जितनी भी मैं लगा रही हूँ ना डेकोरेशन की, वो सारी की सारी ऑनलाइन है, मैं कहीं भी मार्केट वगैरह या मॉल से परचेज नहीं किया अभी तक कुछ भी, फ़िलहाल अभी तक तक कुछ भी परचेज़ नहीं किया। तो बस ये है उसके, तो बस अभी यही है कि थोड़ा सा काम वाम में लगे हुए हैं और फिर ये हुआ कि घर में भी अभी जो है काफ़ी सारा काम चल रहा था, तो मैंने मंगवा ली थी यहाँ पर अकरम की बिरयानी, मतलब बाहर से बिरयानी मंगवा ली थी, तो यहाँ पर जो है मैं बिरयानी खा रही थी बैठकर अपने आराम से हरी मिर्चों के साथ, क्योंकि हरी मिर्चें तो हर खाने में कंपलसरी होती हैं हमारे, हम लोग इतना शौक से मीठा नहीं खाते हम लोग, क्योंकि मिर्चें बहुत खाते हैं जो है मीठा इतनी शौक से नहीं खाते, तो इसलिए तो यहाँ पर जो है मैं हाथ से खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो चावल हो गए या कोई भी चीज़ हो गई हाथ से खाना खाने अच्छा लगता है, सिवाय मीठे वगैरह के जो खीर हो गई या इस तरह की चीज़ें, तो खैर चम्मच ही खाता है बंदा, सूप हो गया ये तो चम्मच ही खाता है, लेकिन बिरयानी वगैरह जो हो गई ना ये मेरे हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है, ये चम्मच से ज़्यादा हाथ से खाने में मज़ा आ रहा होता है, और ये वैसे सुन्नत भी है, लेकिन अपने इंसान जो है खाना खाने से पहले हाथ वाथ धोए अच्छे से और फिर उसके बाद हाथ से इसको इंजॉय करके खाए। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है मैंने जो अपने नाम का ये जो लगाया है अंबरनाज ऑफिशियल का, ये अपने बेड के ऊपर लगाया और यहाँ पर इसको ऑन कर दिया, ये देखें पिंक और पर्पल शेड में मतलब मैंने इसको बनवाया था, और ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इसके लिए मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है। तो वैसे तो रात में जब मैं अपना एडिटिंग कर रही होती हूँ, कभी बैठी हुई होती हूँ कुछ भी, तो इसी को ऑन करके मैं बैठी हुई होती हूँ, क्योंकि पूरे रूम में रोशनी हुई हुई होती है। वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि क्योंकि ये वाला जो नाम है ना ये आप लोगों ने दिया है, और क्योंकि मुझे वैसे तो अंबरनाज ही कहते हैं सब, लेकिन अंबरनाज ऑफिशियल जो है वो आप लोगों ने बनाया, वो आप लोगों की बदौलत मैं बनी हूँ, और बस ये बहुत अच्छा लग रहा था कि अपने नाम का जो है मैंने लोगों यहाँ पर लगवाया अपने बेड के ऊपर, तो ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इसके लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं अपने जब से मैं दुबई से आई हूँ तो अपने हिजाब्स वगैरह जो मेरे सारे के सारे अभी जो आप हिजाब देख रहे हैं सारे के सारे नए हैं, और मैं ये दुबई से लेकर आई थी तो इनको अलग ही हैंग करके मैं रख रही थी, तो बस ये भी सेट हो गया। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे आ गया, मतलब आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ये छोटे छोटे क्लिप्स थे और काफ़ी दिनों से मैं बना रही थी, तो फिर एक साथ भी मैंने सोचा कि जब मेरे रूम अच्छे से फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को सब कुछ एक साथ ही दिखाऊंगी। तो ये भी जो है ये मतलब ये तो मैं खैर दाऊद से लेकर आई थी, दाऊद मार्ट से लेकर आई थी, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं क्या कहते हैं इसको, फेरी लाइट्स कहते हैं, जी हाँ फेरी लाइट्स। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने सोचा मैं इसको कहाँ लगाऊँ, पहले तो मैं अपने रूम में हर दीवार पर लगा कर देख रही थी मैं इसको कहाँ लगाऊँ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और अम्मी को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर बस मैंने बैठे बिठाए सोचा कि चलो इसको ना पर्दे की मतलब अंदर लगाया जाए नेट के अंदर, फिर जो है एक पर्दों के बीच में मैंने लगा दिया था इसको मतलब नेट के उस पार, तो इस तरह से इसको मैं ऑन कर देती हूँ, ये ना ब्लिंक भी होता है और इसको अगर चला के रखो तो ये बस स्मूथली चलता भी है। तो ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये है मेरे रूम का लुक, अभी फ़ाइनल नहीं हुआ, अभी व्लॉग को अभी एंड तक देखो आप लोग, इन्जॉय करो, और इसके बाद जो है
मतलब अभी लाइट्स लाइट्स का काम मैंने जो है वो कर दिया, अपने बेड के ऊपर लगा दिया, ड्रेसिंग के ऊपर सेट कर दिया, पर्दों में सेट कर दिया, और मैं कहाँ सेट करती हूँ, और मैं मतलब और भी फेरी लाइट्स जो हैं मैं लेकर आई हुई हूँ, और भी जो लाइट्स हैं वो रखी हुई हैं, तो समझ नहीं आता कि वो मैं कहाँ लगाऊँ, कुछ ज़्यादा अवर ना हो जाए, तो इसलिए अभी देखो क्या होता है। और इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों जैसे बताया था कि यहाँ पर जो है पुराना सोफ़ा अम्मी ने मेरे रूम में रख दिया, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी रखा हुआ है, ये हटेगा, फिर उसके बाद आएगी स्विंग स्विंग वाली चेयर मेरी। ओके जी व्यूवर्स, अब बारी आती है मतलब अपने रूम डेकोरेशन, मुझसे जितना हो सका मैंने लाइट्स वगैरह से तो कर लिया, लेकिन रूम के अंदर एक भी वॉल क्लॉक नहीं लगी हुई, क्योंकि घड़ी वगैरह जाहिर है लगी भी होनी चाहिए आपको, जैसे आँख खुले आप अपना टाइम वगैरह देखो और इस हिसाब से जो है अपना रूटीन चलाओ। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ वॉचेस वगैरह दिखा दूँ, मतलब वॉल क्लॉक है ये, और आप ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और इसका जो है मैं लिंक बायो में दे दूँगी आपको, आप भी इसको मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर जो है मुझे रिसीव हुए थे ये वॉच जो है होती है वॉल क्लॉक, इसको वॉच करे जा रही हूँ मैं बार बार, तो ये इस तरह से है इसके जो है ये इसमें मिलता है। वॉल क्लॉक चाह रही थी मैं, इधर उधर घूम भी रही थी, ढूंढ भी रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन देख लूँ, फिर मुझे ये हुआ कि पार्सल रिसीव हो गए बिन कासिम फ्रेंड्स की तरफ से, और यहाँ पर जो है इन्होंने मुझे दो वॉल क्लॉक भेजी है, आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरह से लगेंगी पहले, तो इसका पूरा मैप आता है साथ में, पता नहीं कैमरे में सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं शीशे में दिखा दूँ क्या करूँ, तो रुके ये इस तरह से होगा, मतलब ये फ्रेम्स लगेंगे सही है, और ये फैमिली लिखा हुआ होगा, और इसके अलावा ये फैमिली के बीच में ये क्लॉक लगा हुआ होगा, तो ये तो पूरा एक वॉल, इसके लिए तो पूरा वॉल चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एक और साइज है, और जो ये है ये भी वॉल क्लॉक है, ठीक है, और ये थोड़ी अलग तरीके से है, मतलब मैं इसका ही दिखा देती हूँ, तो ये वॉल क्लॉक है सही है, और आपको ना इस तरह से ये पूरी वॉल पे लग जाएगा, आप चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो, अगर व्यूवर्स अगर आप लोगों को मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी मैं, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा जो है मुझे कुछ बटरफ्लाई जो है रिसीव हुए हैं, ये अभी मैं अपने रूम में लगाने वाली हूँ, ये भी है, तो ये जो मतलब बनेगा ना इसको तो पूरा पहले बजट बनाना पड़ेगा मुझे इसको अच्छे से, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ में बनाकर, और अभी हम आपके सामने बनाएंगे, आपके सामने लगाएंगे भी, तो इंशाल्लाह सही बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना मैं इस वाली वॉल पे लगाऊंगी, मतलब एक ही वॉल है, पर्दे के इस साइड पे लगाऊंगी, और ये जो बटरफ्लाई है ना मैं उस साइड पे लगाऊंगी। अच्छा जी व्यूवर्स, तो आप भी इस तरह की क्यूट क्यूट सी चीज़ें मंगवा सकते हो, मतलब अगर आपको मार्केट वगैरह भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगवाओ, और आप बिन कासिम ट्रेंड मतलब जो है वहाँ पे जाके विजिट करो, बायो में इसका मैं लिंक दे दूंगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, विजिट करके ऑर्डर करें और डेकोरेशन कर सकते हैं, तो ये भी जो है ये ऑनलाइन ही मुझे मिला। और दूसरा ये कि लगने के बाद तो इतना कोई प्यारा लग रहा था, मतलब ये दिखने में अभी बिल्कुल सादा है, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इस पर एक प्लास्टिक भी है, जब वो प्लास्टिक हटती तो अंदर से जो मिरर निकलता है गोल्डन कलर का, वो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग लुक आ जाती है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो है ये मैंने मतलब इसका पजल दिख दिख के, अपना पेपर्स जो दिया हुआ था साथ में उसको दिख दिख के मैंने बनाया। पहले तो मुझे वैसे बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में, क्योंकि जब एक चीज़ यहाँ पर जो चिपक जाती है ना वो हटती नहीं है फिर दीवार से, तो इसलिए मैंने बड़े ध्यान से और बड़े ख्याल से इसको बनाया, और ये इस तरह का लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। देखें इसके ऊपर जब मैंने प्लास्टिक हटाई तो किस तरह से शाइनिंग कर रहे थे, तो बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था। तो आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं इसको ऑनलाइन और ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब मेरा रूम कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रूम जो है पहले जो है वो थोड़ा थोड़ा सा खाली लग रहा था, अब जो है मैंने काफ़ी अच्छे से इसको अपनी मैंने भरपूर कोशिश करी कि मैं इसको अच्छे से सजा सकूँ, और अब कैसा लग रहा है, और पहले वाला रूम अच्छा था या अब अच्छा लग रहा है, ये भी आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। इसके बाद जो है फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था अपने लिए बर्गर, क्योंकि घर में बना हुआ था शलजम गोश्त, और मतलब इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा नखरे दिखाने से बेहतर है कि बंदा ऑर्डर ही कर ले। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने बर्गर ऑर्डर कर लिया था और कोल्ड ड्रिंक आ गई थी, तो यहाँ पर बस मैं खाना खा रही हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से, और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।